हेलो गाइस, आप देख रहे ए टू जेड होम्स डिजाइन है। यहाँ पे मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन होम्स प्लान की वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। आज मैं प्लान लेके आया हूँ जिसका साइज है 30x20। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसका फ्रंट आपका 30 फिट का है और इसकी लंबाई इसकी 20 फिट है। इसमें आपको 300 मिलेंगी और 3 BHK प्लान मिलेगा पूरा कम्प्लीटेड। अब मैं आपकी इसकी 3D डिटेल में पूरी जानकारी दूंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, पूरा कंप्लीट प्लान मिलता है आपको। देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो सबसे पहले बात आती है मेन गेट की। मेन गेट मैंने यहाँ पे 4 फिट का दिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं मेन गेट मैंने 4 फिट का दिया। गेट से आप एंट्री लेंगे, एंट्री लेने के बाद आपको कुछ इस तरीके तक जाएगा। गेट से आप एंट्री लेंगे, आपको एंट्री लेने के बाद आपको यहाँ पे 4 फिट की आपको यहाँ पे गैली दिखेगी कुछ इस तरीके से। 4 फिट की आपको गैली दिख जाएगी। उसके जस्ट बगल में आपको यहाँ पे फ्रंट में आपको 3 दुकानें दिख जाएंगी। देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको 3 दुकानें दिख जाएंगी। देख सकते हैं आपकी सीढ़ियाँ मैंने कुछ इस तरीके से दी हैं। देख सकते हैं यहाँ पे बाइक पार्किंग के लिए मैंने रैंप बनाई है। इन तीनों दुकानों का साइज मैंने सेम दिया है। इन तीनों दुकानों का साइज सेम दिया है। दुकानों का साइज मैंने दिया है 8x10। 8x10 दुकान का साइज है। देख सकते हैं तीनों दुकानों का साइज सेम है। उसके बाद यहाँ पे आपको 4 फिट की गैलरी मिली। गैलरी के जस्ट सामने ही आपको यहाँ पे जीना दिख जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे आपको जीना दिख जाएगा। जीना आपका 2.5 फिट का दिया है। ये जीना आपका 2.5 फिट का दिया है। देख सकते हैं यहाँ पे, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको जीना दिया गया है। जीने की सीढ़ियों के साइज मैंने दिया है। ये पैर रखने वाला आपका 9 इंच का दिया है। उसकी हाइट मैंने 8 इंच दी है। कुछ इस तरीके से मैंने सीढ़ियों का साइज दिया है। देख सकते हैं उसके जीने के नीचे ही आपको यहाँ पे लैट्रिन बाथरूम कंबाइन मिल जाएगी। जीने के नीचे ही आपको लैट्रिन बाथरूम कंबाइन मिल जाएगी ग्राउंड फ्लोर में। देख सकते हैं लैट्रिन बाथरूम का साइज होगा 6x3। 6x3 करीबन साइज होगा इसका। देख सकते इसके जस्ट बगल में आपको यहाँ पे एक किचन मिल जाएगी। यहाँ पे आपको एक किचन मिल जाती है। देख सकते हैं आप इंटीग्रेट भी दिया, वेंटिलेशन है, विंडो भी आपको उपलब्ध आई है। इस किचन का मैंने साइज दिया है 5x8। 5x8 इस किचन का साइज है। देख सकते हैं 5x8। उसके बाद यहाँ पे आपको 3.5 फिट की आपको गैलरी दिखेगी। ये गैलरी आपकी 3.5 फिट की है। देख सकते हैं उसके बाद यहाँ पे आपको फ्रंट में आपको एक इंटीग्रेट दिखेगा। अगर आप इस गेट से एंट्री लेते हैं तो यहाँ पे आपको बेडरूम दिख जाएगा। ये ग्राउंड फ्लोर का फर्स्ट बेडरूम दिख जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक बेडरूम दिख जाएगा। इस रूम का मैंने साइज दिया हुआ है 9x12। 9x12 इस रूम का साइज है 9x12। देख सकते हैं आप। तो आपको यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर में आपको 300 मिलती है। 1 BHK पूरा प्लान मिलता है। उसके बाद अब बात आती है फर्स्ट फ्लोर की। जीने से आपको ऊपर आना है। ऊपर आने के बाद आपको फर्स्ट फ्लोर दिखेगा कंप्लीट। जीने से आप कुछ इस तरीके से ऊपर आएंगे। देख सकते हैं जीने से आप कुछ इस तरीके से ऊपर आएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको 3 फिट का स्पेस दिख जाएगा। ये आपका 3 फिट का स्पेस दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे आपको छोटा सा हॉल दिख जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे छोटा सा आपको हॉल दिख जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से सीढ़ियाँ मिल जाएंगी। यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ मिल जाएंगी। स्टार्टिंग में ही आपको यहाँ पे लैट्रिन बाथरूम कंबाइन मिल जाएगी। देख सकते हैं यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में ही आपको सबसे पहले लैट्रिन बाथरूम कंबाइन मिल जाएगी। जैसा कि देख सकते हैं इंटीग्रेट मैंने इस साइड दिया है। अगर आप इंटीग्रेट इस साइड लगाना चाहते हैं इस साइड भी लगा सकते हैं। इस लैट्रिन बाथरूम का मैंने साइज दिया हुआ है 5x6। 5x6 इसका साइज दिया है लैट्रिन बाथरूम का। उसके बाद यहाँ पे आपको राइट साइड में आपको एक बेडरूम दिख जाएगा। देख सकते हैं एक आपको रूम दिख जाएगा। इंटीग्रेट मैंने कुछ इस तरीके से दिया है स्टार्टिंग में। इस गेट से एंट्री लेने के बाद आपको यहाँ पे बेडरूम दिखेगा। इस बेडरूम का मैंने साइज दिया हुआ है 10x11। 10x11 इस रूम का साइज है 10x11। यहाँ पे देख सकते हैं आप बालकनी में आने जाने के लिए आपको यहाँ मैंने इंटीग्रेट भी दिया है। यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए रोड साइड से विंडो भी प्लग आई है। इस रूम में आपको स्पेशली आपको यहाँ पे बालकनी मिलेगी इसी रूम को यूज करने के लिए। देख सकते इसका रूम का साइज दिया 10x11। इसके जस्ट बगल में आपको यहाँ पे किचन मिल जाएगी। वेंटिलेशन देख सकते हैं रोड साइड से दिया, बहुत ही बेहतरीन वेंटिलेशन दिया इस किचन का। देख सकते हैं किचन का मैंने साइज दिया हुआ है 7x7। 7x7 जैसा कि आप देख सकते हैं इंटीग्रेट दिया 7x7 किचन का साइज दिया है। यहाँ पे देख सकते हैं आपको छोटा सा यहाँ पे भी आपको हॉल मिल जाता है। देख सकते हैं
छोटा सा आपको यहाँ पे हॉल मिल जाता है, जैसा कि आपको नीचे देखने को मिला था, यहाँ पे कुछ इस तरीके से इंटीग्रेट मिला था नीचे, यहाँ पे आपको रूम मिला था, आपको यहीं पे रूम पे सेम पोजीशन पे आपको रूम मिल जाएगा। इस रूम का भी साइज मैंने सेम दिया है 9x12 है, 9x12 इस रूम का भी साइज दिया मैंने, देख सकते हैं इसका भी साइज 9x12 दिया। इसके जस्ट बगल में आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से इंटीग्रेट दिखेगा, अगर आप इस गेट से एंट्री लेते हैं तो आपको यहाँ पे एक और बेडरूम दिख जाता है, देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक और बेडरूम दिख जाता है। इस बेडरूम का मैंने साइज दिया हुआ है 10x11 यहाँ पे भी आपको एक बेडरूम मिलता है 10x11, यहाँ पे भी आपको स्पेशली बालकनी मिलती है, देख सकते हैं विंडो भी मिलती है आपको, देख सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको 3BHK प्लान मिलता है, तीन रूम मिलते हैं 1, 2, 3, यहाँ पे काफी अच्छे खासे परफेक्ट साइज के यहाँ पे रूम मिलते हैं, आपको बालकनी मिलती है रूम में, देख सकते हैं। अब बात आती है अटिया की, यहाँ पे देख सकते हैं पूरी कंप्लीट आपकी अटिया बनी हुई है, कंप्लीट आपकी अटिया बनी हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे छोटा सा जाल लगाया है वेंटिलेशन के लिए, यहाँ मैंने ग्लास का यूज किया है, काफी अच्छा खासा उजाला बना रहेगा जीने में भी, देख सकते हैं। छज्जा आपका 3 फिट का दिया है, ये छज्जा आपका 3 फिट का निकाला हुआ है, यहाँ पे ग्लास का यूज किया है, देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का प्लान आपको बहुत ही पसंद आया होगा, अगर आज का प्लान पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही, वीडियो धन्यवाद।